सरगुन किचन में खाना बनाने जा रही थी, तभी उसको किसी के हंसने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर सरगुन खुद से कहती है, ये आवाज तो सासू माँ के कमरे से आ रही है। आखिर कौन है सासू माँ के कमरे में? होगा कोई, मुझे क्या, सासू माँ की कोई दोस्त होगी। मैं जाकर खाना बनाती हूँ, रोनित को ऑफिस जाना है। इस तरह सरगुन किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और उसको एक बार फिर किसी के जोर से हंसने की आवाज आती है। लेकिन ये क्या, ये आवाज तो किसी आदमी की थी। आदमी की आवाज सुनकर अब सरगुन खुद को रोक नहीं पाती और वो अपनी सास के कमरे की तरफ जाते हुए खुद से कहती है, ये आवाज तो किसी आदमी की है, यानी उनकी कोई सहेली नहीं है कमरे में, तो कौन हो सकता है? जो भी है, माँ जी के कमरे में जाकर ही पता चलेगा। सरगुन अपनी सास मोहिनी के कमरे का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास एक पराए मर्द के साथ बेड पर लेटी हुई है। अपनी बहू को देखकर मोहिनी भौचक्का हो जाती है और घबराते हुए कहती है, बहू तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और क्या नहीं, फर्क उससे नहीं पड़ता सासू माँ, फर्क तो इससे पड़ता है कि आपके कमरे में ये आदमी कौन है, और तो और आपके साथ बेड पर क्या कर रहा है? वो बहू, ये मेरा भाई है। हाँ, ये मेरा भाई ही है। मम्मी जी, मैं बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे जो बोलेंगी मैं वो मान लूंगी, सब समझ आता है मुझे। अब सच बताइए कि ये आदमी कौन है, नहीं तो मैं रोनित को बुलाने जा रही हूँ। नहीं बहू, मैं बताती हूँ, लेकिन तू रोनित को कुछ भी मत बताना प्लीज। आज से कुछ महीने पहले मैं बाजार गई हुई थी। मोहिनी बाजार में सब्जियां खरीद रही थी, तभी एक चोर आता है और मोहिनी का बैग छीनकर भागने लगता है। चोर चोर, कोई मदद करो। मोहिनी भाग ही रही थी कि तभी राजेश नाम का एक आदमी भी उस चोर के पीछे भागने लगता है और थोड़ी देर बाद वो उस चोर को पकड़ लेता है। उस चोर से मोहिनी का बैग छीनने के बाद राजेश चोर को बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद वो बैग मोहिनी को पकड़ा कर उस चोर को पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करवाता है, और जब वो वापस आने लगता है तब मोहिनी उसको दिखाई पड़ती है, जहां मोहिनी उसका धन्यवाद करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पर्स मुझे उस चोर से वापस दिला दिया, नहीं तो आज की दुनिया में इतना भला इंसान देखने को कहां मिलता है जो अपनी परवाह ना करते हुए दूसरों की मदद करता हो। अरे कैसी बात कर रही हैं आप, अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद मैं उस समय भी यही करता मिसेज। मोहिनी, मोहिनी अग्रवाल नाम है मेरा, और आपका? जी राजेश। तो मोहिनी जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको कॉफी के लिए पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, वैसे भी मुझे कॉफी बहुत पसंद है। अरे वाह क्या बात है, कॉफी तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलते हैं फिर। थोड़ी देर में राजेश और मोहिनी एक कैफे में कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं, जहाँ राजेश मोहिनी से कहता है, तो मोहिनी जी आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे पति और मेरा बेटा रोनित, और आपके? मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई, बाकी एक बेटा है जो शहर में पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, तो क्या आपको कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती है? याद तो बहुत आती है, पर क्या करें, किसी को अपने दुख दर्द बता नहीं सकता, ना मेरे पास कोई है ना ही मुझे कोई सुनने वाला है। कैसी बात कर रहे हैं, अब मैं हूँ ना, आप मुझे अपने सारे दुख बताना, मैं सुनूंगी। इस तरह दोनों की बातचीत बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे से अफेयर चालू कर देते हैं। दोनों आए दिन मिलते और ढेर सारी बातें करते। ऐसे ही एक दिन, मोहिनी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, इसलिए अब तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरा पति है, और सबसे बड़ी बात मेरा एक बेटा जवान है और उसकी शादी की बात चल रही है, समाज क्या कहेगा कि बहू लाने की उम्र में मोहिनी अपने दूसरे पति को उठा कर ले आई। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना? ऐसा नहीं है राजेश, पर तुम भी तो थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। तो सारे फसाद की जड़ इसका पति है, तो ना रहेगा इसका पति ना रहेगा समाज का डर। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मोहित आता है और राजेश और मोहिनी को इस तरह चिपक कर बातें करता हुआ देख मोहित को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो मोहिनी के बालों को सर से खींच कर उठाता है और उसको एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, कल मुँह ही कहेगी बेटे की शादी करने का समय आ गया है, लेकिन उसकी शादी ना करवा के तू यह अपना मुँह इस पराए मर्द के साथ काला करवा रही है। अरे मैंने किस चीज की कमी छोड़ी थी जो तू इस आदमी के पास आती है हर रोज? आप
गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं तुम्हारे पीछे तब से खड़ा हूँ जब से तू इस आदमी से बात कर रही थी और सफेद झूठ कह रही थी। वाह मोहिनी वाह। मोहित जी सच में ऐसा कुछ नहीं है। राजेश तुम तो कुछ बोलो ना ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। चुप, तू तो बिल्कुल चुप हो जा। और तू मुझे झुठला रही है। देख ये फोटोज, ये भी झूठ है क्या? अब क्या कहना चाहेगी इन फोटोज के बारे में? अब पता चल गया ना, ये मुझसे प्यार करती है। अब निकल यहाँ से। मैं अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में देख रहा हूँ और तुम मुझसे कह रही हो कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मोहिनी भगवान से डरो तुम। हाँ प्यार करती हूँ मैं राजेश से। अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो आप इस तरह बोल रहे हैं? अरे तू तो सच में बहुत गिरी हुई औरत निकली, बेवफा औरत। इस उम्र में ये सब करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या? तू मेरी पत्नी कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। आज के बाद, अरे बात छोड़ो, बल्कि अभी से तेरा मेरा सारा रिश्ता खत्म। और हाँ, अपने ये मनुष कदम लेके ना मैं घर मत आ जाइयो, समझी? और तो और, मैं तेरे बेटे को तेरे बारे में सब बताऊंगा। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी माँ कौन से गुलछर्रे उड़ा रही है। ननन नहीं, तुम रोनित को कुछ नहीं बताओगे। मोहिनी मोहित को रोक रही थी लेकिन मोहित नहीं रुकता और वो रोड पर गुस्से में चलने लगता है। तभी मोहिनी आती है और गुस्से में उसको एक ट्रक के आगे धक्का दे देती है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। बहू ये है सच। तो आपने इस आदमी के लिए अपने पति को ही मार दिया। आप तो बेवफा पत्नी, बेवफा सास और बेवफा माँ निकली। बहू मेरे बेटे रोनित को कुछ मत बताना। मैं अपने बेटे की नजरों में गिरना नहीं चाहती हूँ। अगर उसको कुछ पता चलेगा तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा, साथ ही मुझे माफ भी नहीं करेगा। लेकिन ये चीजें छुपाने वाली नहीं है माँ जी। पर बहू एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चों की नफरत नहीं। उसको कुछ मत बताना बहू प्लीज। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मोहिनी की बातों का जवाब देते हुए दरवाजे पर खड़ा रोनित कहता है, वो तो चुप हो जाएगी माँ, लेकिन मेरा क्या? मैंने तो अपने कानों से आपके कारनामों को आपके ही मुंह से सुन लिया है। अब आप क्या करेंगी? अगर मैं यहाँ सही समय पर नहीं आता तो शायद आप अपने मेलोड्रामा से मेरी पत्नी का मुंह बंद करवा देती और मैं हमेशा धोखे में ही रहता। बेटा मेरी बात सुन। बस बहुत हुआ, आप मेरे बाबा की कातिल है और एक घटिया इंसान भी। आपकी एक नहीं सुनना चाहता और ना इस घर में एक पल रहना चाहता हूँ। सरगुन तुम चल रही हो क्या या इस निहायत ही घटिया औरत के साथ रहना है? अब ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। पर रोनित जी इस मामले को हम आराम से भी तो निपटा सकते हैं ना? अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो रहो, मैं नहीं रहूँगा क्योंकि अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है इस औरत के साथ। इस औरत ने मेरे पिता की नहीं बल्कि इसने मेरे विश्वास का कत्ल किया है। बेवफा के साथ एक कातिल भी है। मैं कमरे में तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ, अपना फैसला सोच समझ कर लेना। अब क्या था, सरगुन अपने पति को ही चुनती है और अपने पति के साथ घर छोड़कर चली जाती है। तो वहीं अब मोहिनी अकेली रह जाती है। हालांकि उसका साथ देने के लिए उसका आशिक था लेकिन फिर भी मोहिनी को अकेलापन खाए जा रहा था और उसको अब पछतावा भी था कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी।